BSP, Bahujan Samaj Party, has suspended its Amroha MP Danish Ali for indulging in anti-party activities. The party says it had warned Ali against taking stand against party lines multiple times in the past as well. It comes close on the heels of Danish Ali's very vocal support to Mahua Moitra during the entire Cash for Query scam arguments and expulsion yesterday. Amit Singh, my colleague, is joining us with more on this. Amit, iske upar aur kya jankari mil rahi hai, bataiye. देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साफ तरीके से कहा गया है कि पार्टी अनुशासनहीनता की वजह से, लगातार बयानबाजी की वजह से अली पर यह कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यानी स्पष्ट तरीके से बहुजन समाज पार्टी से दानिश अली, जो कि अमरोहा से सांसद हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और साथ ही साथ समाज पार्टी से ये भी कहा गया है, देवगौड़ा की पार्टी में थे, जनता दल में थे, और देवगौड़ा जी के रिक्वेस्ट पे उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई थी। और उस दौरान देवगौड़ा जी ने अश्योर किया था कि दानिश अली पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, अनुशासनहीनता नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी देते रहे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अमित, ये जो महुआ मोइत्रा को लेके दानिश अली उस एथिक्स कमेटी के मेंबर भी थे और उसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा को बहुत सपोर्ट किया था, क्या उसकी वजह से ये लगता है ये एक्शन अब हुआ है उनके अगेंस्ट? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी उनको सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया था। तो जाहिर तौर पे अब फिर जैसे ही बड़े नेताओं से बात होगी तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पार्टी के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ जो उनकी बयानबाजी हो रही थी, उसी के लेकर बहुजन समाज पार्टी ने दिखाई की है। जी, अभी कोई इनिशियल रिएक्शन BSP या दानिश अली की तरफ से आया है? देखिए, चूंकि अभी फिलहाल BSP की तरफ से केवल प्रेस रिलीज जारी किया गया है और उस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अनुशासनहीनता की वजह से दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी ये पूरा प्रकरण तुरंत आया है तो जाहिर तौर पर दानिश अली से अभी बात हो नहीं पाई है। जाहिर तौर पर दानिश अली इस पर रिएक्ट करेंगे, देखना होगा क्या मोहिया मित्रा जिस तरीके से लगातार उनको सपोर्ट कर रहे थे, एथिक्स कमेटी के मेंबर भी थे, तो उस वजह से है या फिर कोई और इसके पीछे अनुशासनहीनता ही है कि लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे। और इंटरनल सोर्सेज जो पार्टी के बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के टच में भी थे, तो जो